वेलकम टू यश संपत एजुकेटर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यश संपत एजुकेटर। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द 26 नवंबर 2022 रिगार्डिंग द हिंदू न्यूज़पेपर। और इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे हिंदू न्यूज़पेपर का, इज इट क्लियर। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में भी जानेंगे, और बहुत सारे से जो आर्टिकल्स हैं जो आपकी एग्जामिनेशन के जरिए से काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट माने जा सकते हैं, उसके हिसाब से भी सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। सो बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस and UPSC examination like the Combined Defence Services, Air Force Common Admission Test, National Defence Academy, Indian Navy, INET, Air Force Group X and Y, Army, UPSC Civil Services Examination, and if you are also praying for the IBPS Clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI Clerk, SBI PO, RBI Grade B, so don't worry, batches launched by Yash Sampat Educator, and you can also contact on 977-323-0619. So what are you waiting for, guys? Just call on this kind of the particular number and book your seat and enroll your seat in this kind of the particular courses. You can just follow me in the Instagram, in the YouTube and in the Facebook also, and online platform is available over here. Okay, so before we're going to start, I want to introduce myself. So once again, Jai Hind to one and all who are watching this kind of the particular video. This is Yash Sampat. By profession I am engineer, by passion I am an educator. Chalo Bharat ko aage badhate hain. You can just follow me in these particular social media platform, in the Facebook, YouTube and in the Instagram also. Okay, so let us start with the first question. Which country launched the Orion spacecraft? उसके बारे में हम लोगों ने discussion किया था, और साथ ही साथ उसके बारे में मैं आप लोगों को पूछा भी था. So correct answer is about the USA. Okay, so option number B is the correct answer. Let us move on the next question. National Milk Day is observed to commemorate the birth anniversary of which personality? यहाँ पर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, चरण सिंह एंड मोरारजी देसाई. ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कमेंट इन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन ऑल्सो. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल. तो गाइज, आपका जो पहला आर्टिकल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म्स पैनल टू लुक इन टू एम जी नरेगा एफिकेसी. तो ये जो आर्टिकल है आप जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी से आप उसको रिलेट कर सकते हैं. यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश पुअर स्टेट्स लाइक द उत्तर प्रदेश, बिहार हैव नॉट बीन एबल टू यूज दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है, ऑप्टिमली एंड टू एलिवेट पुअर्टी. ठीक है, तो ये जो स्कीम है जिसको हम लोग एम जी नरेगा स्कीम से जानते हैं, इसका यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार अच्छी तरीके से इसको यूज नहीं कर पा रहा है, और यहां पर पॉवर्टी को एलिवेट नहीं कर पा रहा है, उसके बारे में यहां पर बताया गया था. ठीक है, अगर मैं यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करूं, तो यहां पर उन्होंने यह चीज कही थी कि यह जो कमेटी है यह इंप्लीमेंट की गई थी रिगार्डिंग दिस महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ठीक है, तो जिसको हम लोग एम जी नरेगा स्कीम कहते हैं, तो यह प्रोग्राम जो था वो स्पेशली एसेस्ड प्रोग्राम्स एफिकेसी एज ए पॉवर्टी एलिविएशन टूल. तो पॉवर्टी को घटाने के लिए, कम करने के लिए, रिड्यूस करने की कोशिश में यहां पर इस को लाया गया था, यानी कि जो भी खेत मजदूर है या जो भी कारीगर है, जो भी मजदूर है, उसको यहां पर 100 दिनों के अंदर यहां पर रोजगार देने की इसके अंदर बातचीत की गई थी. ओके, सो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये 2005 के अंदर पास हुआ था, और इस स्कीम के तहत यहां पर 100 दिन के अंदर अनस्किल्ड वर्कर को, अनस्किल्ड वर्क को पर ईयर उसके हिसाब से यहां पर जॉब देने की बातचीत की गई थी. ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस स्कीम के तहत जो भी करंट एक्टिव वर्कर है उसकी यहां पर आंकड़े निकल कर आते हैं 15.51 करोड़ के आसपास यहां पर इस स्कीम के अंदर लोग एनरोल हुए हैं. ठीक है, ये चीज याद रखनी है. आगे बात करते हैं सिन्हा कमेटी. ठीक है, तो द सिन्हा कमेटी हैज नाउ बीन टास्क्ड टू स्टडी द वेरियस फैक्टर्स बिहाइंड डिमांड फॉर द एम जी नरेगा वर्क एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स एंड इंटर स्टेट वेरिएशंस एंड द कंपोजिशन ऑफ वर्क ऑल्सो. ठीक है, तो अभी यहां पर आपको अपनी एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको एम जी नरेगा के बारे में जानना होगा. ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर वन. तो पहला है एम जी नरेगा जो है वो क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है. तो पहली चीज यहां पर ये नो पॉवर्टी का कंसेप्ट लेकर आता है, उसके बाद जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिक्वायर रिड्यूस्ड इन
इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो एम जी नरेगा स्कीम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए ये इस तरीके की यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करता है। आगे बात करते हैं एम जी नरेगा स्कीम जो है उसके बारे में। तो एम जी नरेगा स्कीम जो है ये सबसे बड़ी एक वर्क गारंटी प्रोग्राम स्कीम के तौर पर सामने आती है, जो 2005 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। इनका यही एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है स्कीम का कि ये 100 डेज के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ये उसकी गारंटी है इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, टू एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड्स, तो ये स्कीम जो है ये उसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो वर्क रहेगा टू पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क यहाँ पर रहेगा, उसके बारे में बातचीत की गई। 2022-23 की अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ, सो देर आर दी 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर्स अंडर दी एम जी नरेगा स्कीम। ठीक है, तो एम जी नरेगा स्कीम के अंदर अब तक के 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर जो है आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं उसके लीगल राइट टू वर्क के बारे में यहाँ पर बातचीत करूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ समझनी है कि इस एक्ट का जो एम है वो क्या है, एट एड्रेसिंग द कॉजेज ऑफ द क्रॉनिक पॉवर्टी। ठीक है, सो दैट इज द लीगल राइट टू पॉवर्टी। तो यहाँ पर जो एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, ठीक है, उसका एक एक्ट का यही एम है रिगार्डिंग द एड्रेसिंग द कॉजेज ऑफ क्रॉनिक पॉवर्टी थ्रू अ राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क। एटलीस्ट 1/3 ऑफ बेनिफिशरीज हैव टू बी अ वुमन। ठीक है, यहाँ पर एक तिहाई जो है वो वुमन होने चाहिए, इस स्कीम का ये कहना है। यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत सारी की सारी चीजों के बारे में यहां पर बातचीत की जानी चाहिए। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द लीगल राइट टू वर्क। ऑल्सो डिमांड एंड ड्रिवन स्कीम्स की मैं बातचीत करूँ, तो द मोस्ट पार्ट ऑफ एम जी नरेगा डिज़ाइन इज इट्स लीगल बैक्ड गारंटी फॉर एनी रूरल एडल्ट टू गेट वर्क विद इन 15 डेज ऑफ डिमांडिंग इट। ओके, तो यहाँ पर डिमांड एंड ड्रिवन स्कीम्स जो है वो चीज़ लाई गई थी। ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, एम जी नरेगा जो स्कीम है उसके तहत कि इट्स लीगली बैक्ड गारंटी फॉर एनी रूरल एडल्ट टू गेट वर्क विद इन 15 डेज ऑफ डिमांडिंग इट। ओके, ये चीज़ यहाँ पर बातचीत की गई। सो दिस डिमांड ड्रिवन स्कीम अनेबल्स टू सेल्फ सिलेक्शन ऑफ वर्कर ऑल्सो। ओके, आगे बात करते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के बारे में यहाँ पर बातचीत की गई कि देर इज एन एम्फेसिस ऑन स्ट्रेंथनिंग द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय गिविंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इट स्टैंड्स फॉर द PRI। ओके, तो ये प्लानिंग के लिए कामकाज करता है एंड इंप्लीमेंटिंग दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर वर्क्स आल्सो। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग आल्सो। ठीक है, दिस पर्टिकुलर एक्ट मैंडेट्स द ग्राम सभास टू रेकमेंड द वर्क्स दैट आर टू बी अंडरटेकन, एटलीस्ट 50% ऑफ द वर्क्स मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय देम। तो यहां पर ग्राम सभास के बारे में भी इस एक्ट के अंदर बातचीत किया गया है, ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखना है। ठीक है, सो गाइज, यहां पर अगर आप इस चैनल के नए फैमिली मेंबर के पर ये वीडियो देख पा रहे हैं, सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द फ्यूचर एंड फॉर द नोटिफिकेशंस। ओके, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन कि ये जो एम जी नरेगा स्कीम जो है अगर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये कि डिले एंड इनसफिशिएंसी इन फंड डिस्पर्सल। ठीक है, क्या क्या इश्यूज यहाँ पर देखने को मिले हैं कि भाई एम जी नरेगा स्कीम के अंदर जो ये फंड होनी चाहिए वो एक्चुअली उतनी है ही नहीं, उसकी वजह से यहाँ पर लोगों को पैसा देने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, वर्कर्स हैड बेगन टू लूज इंटरेस्ट इन द वर्किंग अंडर इट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर पैसा सब्सिक्वेंटली नहीं मिल पाएगा, ठीक है, उसकी सप्लाई नहीं होगी, तो यहाँ पर वर्कर किस तरीके से काम कर पाएंगे। ये सारा का सारा जो एडमिशन होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू होता है एंड दैट डिलेज इन द वेज पेमेंट्स और कंसिक्वेंस ऑफ इनसफिशिएंट फंड। ठीक है, इनसफिशिएंट फंड होने की वजह से यहाँ पर जो पेमेंट देने में काफ़ी हद तक डिले हो रहा है, इसकी वजह से ही यहाँ पर इनसफिशिएंट फंड कहा जा रहा है, या ऐसा भी कह सकते हैं इनसफिशिएंट फंड होने की वजह से यहाँ पर उन लोगों को वेजेस नहीं मिल पा रहा है या तो डिले हो रहा है। ठीक है, कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन, यहाँ पर कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन की अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट वेरिएशन जो है ये काफ़ी उसके अंदर भी काफ़ी हद तक डीले देखने को मिला है। अलमोस्ट 46% ऑफ पेमेंट्स टू एससी। ठीक है, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट वर्कर को 46% दिया जाता है, 37
1% फॉर ST दिया जाता है, ठीक है, उसके वर्कर को दिया जाता है जो इस तरीके की 7 डे पीरियड की जो मैंडेटेड स्कीम्स है उसको कंप्लीट कर पाए. एंड इट वॉज डेसिमल ऑल्सो 26% फॉर non-SC/ST वर्कर्स. ठीक है, non-SC/ST वर्कर्स के लिए यहाँ पर जो एक डेसिमल अलोकेट किया गया है वो 25.6% के करीब करीब है. उसके बाद आता है इन इफेक्टिव रोल ऑफ PRI. यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द इन इफेक्टिव रोल ऑफ PRI. ठीक है, तो यहाँ पर ये एक छोटी सी ऑटोनॉमी है जिसके अंदर ग्राम पंचायत जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है इज इफेक्टिवली और एफिशेंटली. ओके, तो ये चीज़ याद रखनी है. उसके बाद यहाँ पर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या इशू आ सकते हैं, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ इनकम्प्लीट वर्क्स. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम है जो काफ़ी हद तक बहुत टाइम से पेंडिंग ही रहे हैं. ठीक है, सो देयर हैज़ बीन अ डिले इन द कंप्लीशन ऑफ वर्क्स अंडर द MG नरेगा एंड इंस्पेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स हैज़ बीन इरेग्युलर ऑल्सो. ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी हद तक देखने अच्छी हमें अच्छी तरीके से पता हम लोग उसके बारे में जान सकते हैं या पता कर सकते हैं कि भाई क्या क्या इश्यूज़ MG नरेगा जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है फैब्रिकेशन ऑफ जॉब कार्ड्स. तो यहाँ पर जैसे जैसे अगर जॉब के बारे में अगर जब भी आप देखना चाहोगे तो कभी कभार फेक जॉब कार्ड्स आपको देखने को मिलेंगे. द इंक्लूजन ऑफ इफिशियस नेम्स जो है, मिसिंग एंट्रीज जो है, डिलेज जो है, ये सारी की सारी चीजें जो है इस तरीके के फैक्टर्स के अंदर देखने को मिल सकती है. आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में. आई होप सो ये आर्टिकल आपको अच्छी तरीके से समझा होगा. ठीक है, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन. यहाँ पर देखिए एक जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, सो दैट इज़ अ बोटमैन हेट्स द डाल लेक इन श्रीनगर एंड एम्ड फूजी कंडीशंस ऑन द फ्राइडे. अ कोल्ड वेव हैज़ टाइटन इट्स ग्रिप ओवर जम्मू एंड कश्मीर विद ऑल मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस इन द वैली रिकॉर्डिंग सब जीरो टेम्परेचर्स. पहलगाम वॉज कोल्डेस्ट एट -1.4 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को आपकी एग्जामिनेशन के हिसाब से आप लोगों को जानना होगा दल लेक. ओके, सो यहां पर आप जिसका फोटोग्राफ देख रखे हैं वो दल लेक का फोटोग्राफ है. ठीक है, जब भी आप वेकेशन में हो, फ्री वेकेशन के अंदर आ जाओ, या आप जब भी पढ़ाई से फ्री होने के लिए आप टाइम निकालो या फ्री हो जाओ तभी यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर घूमना जरूरी है, घूमना चाहिए, जन्नत है. ठीक है, दल लेक के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से आज जानने को मिलेगा. ओके, अभी बात करते हैं दल लेक के बारे में. तो दल लेक जो है वो श्रीनगर के अंदर है. दैट इज अ पर्टिकुलर कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, तो यहां पर मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जो दाल लेक जो है, ठीक है, ये उसका मतलब यही है दाल लेक का कि मिसनोमर एज दाल इन कश्मीरी मीन्स लेक. ओके, तो दाल लेक जो है ये चीज़ आप लोगों को समझनी है कि एक्चुअली है तो है क्या. ठीक है, यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर काफ़ी हद तक पीक पॉइंट पर है. ठीक है, एंड रिक्रिएशन इन द कश्मीर एंड इट्स नेम इज़ द ज्वेल एंड द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर ज्वेल. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को याद रखनी है ज्वेल के रिगार्डिंग. ओके, यहाँ पर आपको फ्लोटिंग गार्डन मिलते हैं 18 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा यहाँ पर नेचुरल वेटलैंड का पार्ट आपको देखने को मिल सकता है जो एक आपको फ्लोटिंग गार्डन के रूप में देखने को मिल सकता है. इसी क्लियर. उसके बाद यहाँ पर फ्लोटिंग गार्डन जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, राड कहते हैं. ये चीज़ याद रखिएगा, विच इज़ इन द कश्मीर ऑल्सो. हाउस बोट जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शिकारा. ठीक है, जो काफ़ी हद तक यहाँ पर दाल लेक के अंदर देखने को मिलती है और वो आपको एक एकोमोडेशन के तौर पर यहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर यहाँ पर श्रीनगर के अंदर दाल लेक के अंदर घुमा सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट दी दाल लेक. अभी बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में. यहाँ पर आप जिस तरीके का फोटो देख रहे हैं तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि अभी मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ. ठीक है गाइज, यहाँ पर हमारे समाज के अंदर जो है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा फीमेल, मेल और एक ट्रांसजेंडर. ठीक है, तो जी हाँ, यहाँ पर ट्रांसजेंडर की बात की जा रही है, यहाँ पर बाइसेक्सुअल की बात की जा रही है. ठीक है, तो यहाँ पर जो आप आर्टिकल देखने जा रहे हैं उसके बारे में देख लेते हैं एक बार कि सुप्रीम कोर्ट सिक्स गवर्नमेंट्स व्यू ऑन अलाउिंग सेम सेक्स मैरिज. ओके, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने
गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स किया है टू प्लीज़ अलाउ सोलेमिनेशन ऑफ सेम सेक मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर कहा गया था। ठीक है, फॉर कपल्स हु कैन नॉट मैरी अंडर देयर पर्सनल लॉज। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसके अंदर इम्प्लीमेंट होगी कि जो अपने पर्सनल लॉ के अधीन अगर बाहर जाकर काम करता है तो उसको यहाँ पर अलाउ कर दिया जाए। ठीक है, तो पिटिशनर सुप्रिया चक्रवर्ती राइट, हाँ दैट इज़ अ पिटिशन सुप्रिया चक्रवर्ती राइट एंड अभय डांग हैव शाउट सोडमी सोलेमिनेशंस ऑफ सेम सेक्स मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँ कि ये बार बार कम्युनिटी की हिसाब से क्यों आ रहा है। ठीक है, तो हिंदूज मैरिज लॉ एक्ट है, मुस्लिम्स मैरिज लॉ एक्ट है। ठीक है, और दूसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट SPL जिसको हम लोग SML। ठीक है, तो उसको हम लोग SML के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए एक्चुअली है तो है क्या कि सेम सेक्स मैरिज अमाउंटेड टू डिस्क्रिमिनेशन दैट स्ट्रक एट द रूट ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ फुलफिलमेंट ऑफ LGBTQ कपल्स। ठीक है, अभी इस पॉइंट के अंदर आप लोगों को LGBTQ जानना होगा, तो आइए सबसे पहले उस चीज़ को जान लेते हैं कि LGBTQ एक्चुअली है तो है क्या। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो LGBTQ जो है वो उसका प्लस से पहले कोई नाता नहीं था, उसके बाद यहाँ पर LGBTQ+ जो है एज ए ह्यूमन राइट के तौर पर लेके आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर LGBTQ+ जो है उसके बारे में अगर बात करो तो इंडिया के अंदर या इंडिया को इंक्लूड करके बहुत सारे कंट्रीज के अंदर इस चीज सेम सेक्स या थर्ड सेक्स को यहाँ पर लीगली बताया गया है और उसको रिकॉग्नाइज भी किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर होमोसेक्सुअल्स जो है उसको इक्वल सिटीजन के तौर पर यहाँ पर देखा जाए, उसके बारे में बातचीत की गई है। ठीक है, तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑफ सेवरल डिफरेंट मूवमेंट्स एट द प्रोटेस्ट अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो। ठीक है, तो बहुत टाइम से ये सारी की सारी चीज़ें देखने को नहीं आई थी, अभी यहाँ पर आप उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, भारत के संविधान के अंदर जो प्रीएम्बल का पोर्शन है उसके बात अगर मैं करूँ तो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज इट्स सिटीजन्स इम्पार्शियली एज वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड एंश्योर जस्टिस जस्टिस के अंदर तीन चीज़ें के बारे में जानने की कोशिश रहेगी जिसके अंदर होगा सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, अगर मैं 2018 के सितंबर महीने की बात करूं तो जब भी सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड का यहां पर रिव्यू किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के जजमेंट को डिक्रिमिनलाइजेशन एडल्ट कंसेंशियल सेम सेक्स मैरिज के तौर पर उसका डिसीजन था। ठीक है, पर ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है उस लैंडमार्क के हिसाब से, ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं कि बहुत इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंसिव ऑल्सो, ओके एक्सपेंसिव इन द विच फील्ड, ओके इन द फील्ड ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑल्सो एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑल्सो। तो यहां पर इस तरीके के जो टर्म है उसको कहा जाता है इंपावरिंग LGBTQIA+ कम्युनिटी। ठीक है, उसके बारे में यहां पर बातचीत की गई है। अभी आगे और एक अचीवमेंट्स के बारे में बातचीत करूं तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि LGBTQIA+ जो है वो भारत के लोगों के लिए यहाँ पर फ्री या ट्रीटेड इक्वल टू देयर फेलो सिटीजन्स के बारे में यहाँ पर सोच पाए। ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट दी पर्टिकुलर वन। आगे बात करते हैं कि LGBTQIA जो प्लस है वो किस तरीके से हमें यहाँ पर अफेक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर LGBTQIA+, ठीक है, L स्टैंड्स फॉर द लेस्बियन, G स्टैंड्स फॉर द गे, B स्टैंड्स फॉर द बाइसेक्सुअल एंड T स्टैंड्स फॉर द ट्रांसजेंडर, इज इट क्लियर, एंड Q स्टैंड्स फॉर द क्वीर एंड इंटरसेक्स फॉर द आई एंड SGL सेक्स फॉर द ए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। जब तक यहाँ पर कोई टर्म हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वाइल नो टर्म कैन फुल्ली कैप्चर द स्पेक्ट्रम्स ऑफ द जेंडर्स एंड सेक्शुअल आइडेंटिटीज इन द वर्ल्ड ऑल्सो, जिसको हम लोग LGBTQ+ कहते हैं। ठीक है, मेनली स्टैंड फॉर दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर चैनल ओवर हियर। ओके, आगे अगर मैं बात करूँ LGBTQ के बारे में तो ये जो LGBTQIA+ जो है ये भारत के अंदर ये एक तबका जो है उसकी बात हो रही है और वो क्या क्या चैलेंज
चैलेंजेस जो है या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते हैं, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए कि मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि LGBTQIA+ इंडिविजुअल्स में एक्सपीरियंस मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ द मार्जिनलाइजेशन सच एज द रेसिज्म है, सेक्सिज्म है, पुअर्टी है। तो ये बहुत सारे से वैक्टर के ऊपर ये चीज़ों के बारे में कामकाज चलता है, ठीक है। सो अलॉन्ग साइड होमोफोबिया ऑफ ट्रांसफोबिया दैट ऑल्सो नेगेटिवली इम्पैक्ट ऑन देयर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग को संभालने की यहाँ पर बातचीत की जा रही है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझना है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, ओके। विदाउट एसेस टू पब्लिक बेसिक सर्विसेज सच एज मेडिकल केयर है या जस्टिस है या लीगल सर्विस है या एजुकेशन है, तो उसका मार्जिनलाइजेशन जो है वो ऊपर से ही होता है, ठीक है, रिगार्डिंग दी LGBTQIA+, ओके। इम्पैक्ट ऑफ फैमिली रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो LGBTQ जब भी कोई चिल्ड्रन आपको दिख जाता है तो यहाँ पर उसको सीरियसली लेना है, रिजेक्शन नहीं करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर सीरियस नेगेटिव रिएक्शन अगर आपने अपने आप पर ले लिया तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड दी सेल्फ डाउट ऑल्सो, ओके। सो रिजेक्शन एंड सीरियस नेगेटिव रिएक्शन कैप्ट मेनी LGBTQIA+ जिसके अंदर यंगस्टर्स जो है और ये पेरेंट्स जो अपनी फीलिंग्स जो है बयां करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सोसाइटी के अंदर हमें किस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए, सेट ऑफ द सोशल ऑल्सो, सेट ऑफ द कल्चरल नॉर्म ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर आप लोगों को भूलना नहीं है, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो आपके मैरिज की हो, चाहे वो आपके करियर की हो, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं कहूँ कि अगर फैमिली सपोर्ट कम है और यू कैन ऑल्सो प्रूव टू बिग ब्लो टू द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑल्सो रिगार्डिंग द LGBTQIA+, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। उसके बाद आता है अनहियर्ड रूरल वॉइसेज। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो अर्बन एरिया के जो भी वॉइस है LGBTQIA+, ठीक है, पीपल आर हियर्ड थ्रू सेवरल ऑनलाइन एंड रियल वर्ल्ड ऑल्सो कनेक्ट विद दिस पर्टिकुलर वन, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। अभी यहाँ पर होमलेसनेस, प्रॉब्लम ऑफ टर्मिनोलॉजी, सोशल अनरिकॉग्नाइज्ड, लैक ऑफ इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज, डिस्क्रिमिनेटरी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है ये क्या है, उसके बहुत सारे बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर थंबनेल में देखा था नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटिंग डॉक्टर वर्गीस कुरियन ऑन 26 नवंबर, तो यहाँ पर 26 नवंबर को यहाँ उनके जो जन्मदिन था उसका यहाँ पर शुभेच्छा दिया गया था और साथ ही साथ उनको याद भी किया गया था। और हर साल यहाँ पर 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं उसके बारे में कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज सेलिब्रेट नेशनल मिल्क डे जो 26 नवंबर को ऑर्गेनाइज किया गया था। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड जो है उसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पर उन्होंने स्टेक होल्डर्स ऑफ डेयरी सेक्टर, ठीक है, ये सारी की सारी अवेयरनेस बढ़ाकर ये अपने आप से ओपन कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रख सकते हैं। एंड ऑल्सो लॉन्च्ड IVF, IVF स्टैंड्स फॉर व्हाट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब, जो कि धमरोड गुजरात या हिसरघटा कर्नाटका के अंदर है, ठीक है। सो एवरी ईयर द फर्स्ट डे ऑफ जून इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लीजिएगा कि जून के पहले दिन ही यहाँ पर हम लोग आ सकते हैं या इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अबाउट के बारे में, तो नेशनल मिल्क डे जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी, जिसको भारत का मिल्कमैन के नाम से हम लोग जानते हैं, मिल्कमैन के नाम से हम लोग उनको जानते हैं, ठीक है। सो द डे सेलिब्रेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द मिल्क इन अ पर्सन लाइफ एंड द प्रमोट द बेनिफिट्स रिलेटेड टू द मिल्क ऑल्सो एंड मिल्क इंडस्ट्री एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द मिल्क ऑल्सो एंड मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पर आप लोग उसके बारे में समझ सकते हैं। अभी बात करते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन सर जी के बारे में। यहाँ पर उसका टेन्योर रहा तो वो 1921 से लेकर 1921 से लेकर 2020
ट्वेल्थ तक यहाँ पर उसका कामकाज चला। ठीक है, यहाँ पर वर्गीज कुरियन सर जी को यहाँ पर फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन से हम लोग जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक फेमस ऑपरेशन फूड जो था उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, सो ये जो फूड है वर्ल्ड्स नामक जो ये हम लोग कह सकते हैं ऑपरेशनल फ्लड जो है, सॉरी ऑपरेशनल फ्लड जो है उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम के तरफ इन चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, सो ही ऑल्सो एस्टैब्लिश द 30 इंस्टीट्यूशन दैट आर रन बाई द वेरियस गेम्स एंड वर्क ऑल्सो, जहाँ पर आपकी पढ़ाई और लिखाई जो है या आपका कामकाज जो है वो उसको डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग बैच जो है अरेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो ही ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट एंड सक्सेस ऑफ द अमूल ब्रांड ऑल्सो, तो यहाँ पर उन्होंने सक्सेस ऑफ अमूल ब्रांड या एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद यहाँ पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क जो है 1998 के अंदर यहाँ पर चीज़ों के बारे में बताया गया था। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि वर्ल्ड फूड प्राइस जो है, ठीक है, हाँ वर्ल्ड फूड प्राइस के अंदर कभी हुआ था 1986, ओके, एंड वर्गीज कुरियन सर जी का कितना था 1963। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर उसका दिमाग रहा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ऑपरेशन फ्लड के बारे में, सो 13 जनवरी 1970 के दौरान इस चीज़ को लॉन्च किया गया था, मैं आपको कहना भूल ना जाऊँ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, सो ऑपरेशन फ्लड जो है उसको लॉन्च किया गया था 13 जनवरी 1970 को। ये दुनिया का लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पर निकल कर आता है। ठीक है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो 30 ईयर्स द कॉपरेशन हेल्प डबल द मिल्क अवेलेबल पर मर्सन इंडिया, और साथ ही साथ यहाँ पर फार्मर्स को एक कंट्रोल मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिस टाइम और जिस स्पीड से यहाँ पर काम होता है उस स्पीड से अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग और कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, पर हमें कुछ चेंजेस लाने ही होंगे। ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट दिस particular their own development also this way achieved not only by the mass production बट प्रोडक्शन बाय दी मासेज ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरीके का उसको हम लोग जानते हैं वाइट रिवोल्यूशन। अगर वाइट रिवोल्यूशन और डॉक्टर वर्गीज कुरियन सर के बारे में यहाँ पर पूछा जाए तो आप लोगों को ये डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पर वाइट रिवोल्यूशन का कुछ कुछ फेसेस देखने को मिल सकते थे। ठीक है, फर्स्ट फेज जो है वो 1970 से लेकर 1980, उसके बाद सेकेंड फेज है ये 1921 से लेकर यहाँ पर 1981 से लेकर यहाँ पर आप उसको 1985 तक देख सकते हैं, और उसके बाद फेज थ्री जो है जो हमारा अभी रिसेंट जो है वो पेंडिंग है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिगार्डिंग द फेज थ्री 1985 से लेकर 1996 तक यहाँ पर आपकी जो है क्लासेस ऑनलाइन चलते रहते हैं। ठीक है, तो आप उसमें भी आकर देख सकते हैं और उसमें भी यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से सारी की सारी चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है NMD का, या ऐसा मैं कहूँ कि हाँ ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये जो पूरा का पूरा सेक्टर है उसकी कंट्रोलिंग यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको यहाँ पर पता होने जरूरी है एज पर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो इंक्रीज द मिल्क फूड ऑफ मिल्क, इंक्रीज द रूरल इनकम्स, रीजनेबल प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर, तो ये उनके ऑब्जेक्टिव्स है। अगर ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती है तो सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि देयर ओन डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑल्सो रिगार्डिंग द डायरेक्शन, ओके, प्लेसिंग the control of the resources also। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं इंडिया बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, ओके, जिसके अंदर 26-77% के करीब करीब पूरे दुनिया के अंदर यहाँ पर ये जो है पॉलीथीन बैग जो है वो छप चुकी थी। करंटली इंडिया के अंदर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर के तौर पर ये कंपनी जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ सकती है। ठीक है, रिगार्डिंग द 22% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन, ओके। आगे बात करते हैं कि भारत के डेयरी सेक्टर के बारे में, सो भारत का डेयरी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो पहले जो था वो 57% के करीब करीब आपको एशिया का टोटल मिल्क प्रोडक्शन देखने को मिलता था। ठीक है, पर जैसे जैसे यहाँ पर टाइम गुजरता गया ये कहाँ पर पहुँच गया, 20% के आसपास पहुँच गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। सो अकाउंट्स फॉर मोर देन 22% ऑफ द वर्ल्ड एंड 57% ऑफ एशियाज टोटल मिल्क प्रोडक्शन ओवर ही है। ठीक है, अभी यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन के अंदर भारत की यहाँ पर मैं बातचीत करूँ तो देर आर दी 7 मिलियन टोन्स ऑल्सो इन दी 1951
टू 18.7 मिलियन टन्स जो है यहाँ पर आप लोगों को महिंद्राज के जो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि 18.7 मिलियन टन्स जो है यहाँ पर आप लोगों को आंकड़ा देखने को मिल सकता है रिगार्डिंग दी मिल्क प्रोडक्शन ऑफ इंडिया के तौर पर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हैं, जिसके अंदर जॉब क्रिएट होगी, फार्मर लाइवलीहुड फील करेंगे, उसके अंदर इंप्रूवमेंट होगा, सपोर्ट एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो कॉमर्शलाइजेशन एंड एनहांस द न्यूट्रिशन ऑफ द मासेस ऑल्सो ओवर हियर। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से दोस्तों समझ पा रहे हैं। आगे बात करते हैं उसके चैलेंजेस के बारे में, तो लैक ऑफ प्रॉपर पैकेजिंग एंड लेबलिंग सिस्टम, तो उनको कई लोगों को स्टार्ट करना होता है पर यहाँ पर वो कर नहीं पाते। ठीक है, तो ये उसके चैलेंजेस है। ठीक है, सो लैक ऑफ प्रॉपर पैकेजिंग एंड लेबलिंग सिस्टम, लैक ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस, उसके बाद आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड ब्रांड बिल्डिंग ऑल्सो, सो दैट इज़ अ मेजर चैलेंज ओवर हियर राइट नाउ। ओके, कोल्ड चेन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटीज आर नॉट इफेक्टिवली इन दी ऑपरेशन ऑल्सो, सो दैट इज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर चैलेंजेस। आगे बात करते हैं उसके क्या क्या उन्होंने रिलेटिव्स लिए थे, गोपाल रत्न अवार्ड ई गोपाल रिगार्डिंग द जनरल ऑफ वेल्थ थ्रू प्रोडक्टिविटी लाइव स्टॉक ऐप। ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर आप लोगों की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, सॉरी मिल जाएगी। उसके बाद ई गोपाल जो है उसके बारे में बातचीत किया गया। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान और डेयरी डेवलपमेंट 2022 उसके बारे में बातचीत यहाँ पर किया रहेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है यहाँ पर आप उसको लिख कर यहाँ पर आप फ़ोन पर या इस तरीके की चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। इज इट क्लियर? सो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। यहाँ पर जो लास्ट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल सकता है, आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर आर्टिकल, सो रशिया ऑफर्स एडवांस्ड फ्यूल ऑप्शन फॉर कुदनकुलम प्लांट। ठीक है, तो कुदनकुलम प्लांट के अंदर जो है हमारा जो पहले फ्यूल जाता था दैट इज़ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑल्सो, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो जो नया न्यूक्लियर फ्यूल है उस वो हम लोग कह सकते हैं कि दे ज़्यादा एफिशिएंट है पेट्रोल की वजह से। ठीक है, अलाउ reactors to run for an extended two year cycle without the stopping, so this will lead to the sizable also। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कहना चाहूँ कि रशियन स्टेट ने इस तरीके की चीज़ों के बारे में बताया गया है, द रशियन स्टेट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन रुस्तम हैज ऑफर्ड मोर एडवांस फ्यूल ऑप्शन टू इंडियाज लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑल्सो। ठीक है, जो कि कुदनकुलम जी के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो विच विल अलाउ इट्स रिएक्टर्स टू रन फॉर एन एक्सटेंडेड टू ईयर साइकिल विदाउट द स्टॉपिंग टू द लोड और फ्लैश रेल फ्यूल। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि ये काफ़ी तक इफेक्टिव माना जा सकता है। ठीक है, अभी जहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा बोतल जो है उस हिसाब से भर पाते थे, पर यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी फ्यूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरा जो साइकिल है उसके अंदर 24 आप लोगों को मंथ्स जो है लग सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अभी बात करते हैं उस आर्टिकल के बारे में, तो यहाँ पर आप उसका जो पावर प्लांट है, ठीक है, उसको देख सकते हैं जिसके अंदर फ्यूल को यूज़ किया जाता है। आगे बात करते हैं कि कुदनकुलम विलेज जो पंचायत के तौर पर सामने आता है या उसको हम लोग समझ सकते हैं, सो हैज़ पास्ड द रिजोल्यूशन अगेंस्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एयर कंट्रीब्यूशन सॉरी कंस्ट्रक्शन ऑफ द अवे फ्रॉम रिएक्टर, जिसको अवे फ्रॉम रिएक्टर इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, अवे फ्रॉम रिएक्टर स्टैंड फॉर वन AFR। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप लोगों को समझना है एट दी कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर आप समझ सकते हैं। सो अर्लियर द स्टेट गवर्नमेंट जो है तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन को बहुत ही आराम से और इस चीज़ के लिए संभाला था। ठीक है, रिगार्डिंग दी ऑल्सो अपोज्ड सर्च कंस्ट्रक्शन, सो द विलेज पंचायत इज टू न्यू दैट द AFR साइट वुड लीड रिगार्डिंग the radioactive pollution, spill of the radioactive and spoiled groundwater, ये सारे के सारी चीज़ें जो है drinking water के लिए और irrigation के लिए use की जाती है। ठीक है, let us move on the next one। यहाँ पर अगर AFR sites के बारे में बात करूँ तो AFR का मतलब यहाँ पर आप लोगों ने अभी ही पढ़ा था, away from reactor, is it clear? Away from reactor। If we talk about this particular away from reactor site, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा fuel store करने के लिए
न्यूक्लियर पावर प्लांट के फ्यूल को स्टोर करने के लिए जगह जो है वो उसके बारे में बातचीत की गई है रिगार्डिंग AFR साइट्स. ओके, देर आर दी टू होल्ड्स ओवर हियर जिसके अंदर फैसिलिटी जो है आप लोगों को यहाँ पर पूरा का पूरा सर्विस देखने को मिल सकता है. सो वन फैसिलिटी इज लोकेटेड विद इन दी रिएक्टर बिल्डिंग और सर्विस बिल्डिंग ऑल्सो. ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो एडिशनल में आ सकती है. ठीक है, सो जनरली नोन एज द स्पेंट फ्यूल स्टोरेज पोल और बड और द बे ऑल्सो. ठीक है, ए अवे फ्रॉम रिएक्टर जो है. ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड द स्पेंट फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी बट विद इन द प्लांट्स परमिशंस. ये चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट द AFR सोसाइटी. लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट पर्टिकुलर इमेज. तो यहाँ पर आप जो ब्लू कलर का ये पोर्शन देख पा रहे हैं ना, सो दैट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियर पावर प्लांट फ्यूल. ओके, जिससे यहाँ पर 30-70 का रेशियो बन सकता है. 70% जो है, प्रतिशत जो है वो यहाँ पर 70% जो है यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. प्रॉपर पोर्शंस का रहता है यहाँ पर 30% के आसपास. यहाँ पर आप लोगों को ये न्यूज़ देखने को मिल सकती है. ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट द वर्गीस कुरिन जी. ओके, सो अगर यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर AFR फैसिलिटीज़ जो है वो काफ़ी हद तक KKNPP एक्ट रिएक्टर्स 1 और 2 जो एक स्टोरेज के तौर पर काम में आता है उसको अगर देखा जाए तो दे स्पेंड फुल्ली दे स्पेंड फ्यूल ओनली एंड नॉट फॉर स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट ओवर हियर. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझनी है. गाइज वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पर इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एंड UPSC एग्जामिनेशन लाइक द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, नेशनल डिफेंस अकेडमी टेट, आर्मी ग्रुप एक्स एंड वाई, UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इंडियन नेवी, INET, एंड इफ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द IBPS क्लर्क, IBPS PU, IBPS RRB, SBI Clerk, SBI PU, RBI Grade B. So don't worry, batches launched by the Yes Sampad Educator. So what are you waiting for? Guys, just call on 977-323-0619. And you can also enroll in this kind of the particular, video also. And you can also approach for the online portal. Okay? Let us move on the next one. I want to tell you that if you are the new family member of this particular channel, guys, so please subscribe this channel if you feel this channel is very good for your competitive examinations. Okay, so you can also like the session and share the session with your friends, family members, colleagues who are preparing for this particular examination also. Okay, so